तो बहुत ही मुख्तसर बात आप लोगों के सामने रखूंगा कि पहली बार मीरा भयंदर से चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला है, पार्टी की तरफ से मिला है, अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सब में बड़ी मुश्किल एक ही आती है कि आपके हमारी कौम जो है वोटिंग के लिए नीचे उतरती नहीं है। सिर्फ 50% लोग वोट करते हैं, बाकी के लोग करते नहीं है। और 50% लोगों की वोटिंग निकालने के लिए वर्कर्स की जान निकल जाती है, क्योंकि सवेरे पानी आता है तो पानी भरते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़ करके सो जाते हैं तो 10 बजे उठते हैं, फिर चाय बनती है, फिर हजरत नाश्ता करते हैं, फिर बेगम साहबा बाजार लेने जाती है, फिर चूल्हा जलता है, फिर 3 बजे खाना तैयार होता है, 3:30 बजे खाते हैं, आराम करते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर NH के बाद नज़र मारते हैं, अरे बहुत गर्दी, थोड़ी देर के बाद जाते हैं। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है। अब हर जगह हमने इलेक्शन के ताल्लुक से लैपटॉप लेके बच्चों को बिठा रखा है कि अभी से जाकर के अपना नाम देख लीजिए, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। लास्ट मोमेंट पे लोग आते हैं, परेशान होते हैं। इलेक्शंस के लिए वोटिंग को जाना है तो 17 आइडेंटिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, वो लेके नहीं जाते हैं, फिर वहाँ से वापस भेजते हैं। और डिलीबरेटली हमारी जो माँ बहनें जो होती हैं बुरखे में होती हैं, तो जानबूझ के डिलीबरेटली जो है अपोजिशन वाले और रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह भी जो है वो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल पेश करते हैं। और एक बार अंदर से आदमी बाहर निकल गया तो बाद में फिर वो वापस वोटिंग के लिए जाता नहीं है। तो इसीलिए आपके कॉम्प्लेक्स में जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, रशीदा आपा और सारे लोग, तो वो वोटिंग को गेट से बाहर जाने से पहले आपका आई कार्ड कौन सा है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 17 मुख्तलिफ किस्म के आई कार्ड की ज़रूरत है, उसमें से कोई भी एक आप ले जा सकते हैं, तो वो ज़रूर आप ले जाए। बाकी तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग पूरा इतिहास आप लोग जानते हो, मुस्तकबिल के लिए क्या करना है वो 4-5 बातें मैंने यहाँ पे इसमें लिखी है। टोल नाका हमको हटाना है, मीरा रोड लोकल शुरू करनी है, भयंदर से लेडीज स्पेशल हमको बढ़ानी है, भयंदर लोकल बढ़ाना है, गार्बेज का टैक्स कम करना है, पानी बढ़ाना है, इस तरह के ये जो मैनिफेस्टो है जो आप लोगों में तकसीम किया गया है उसमें हमने ये सारी बातें लिखी भी है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। क्या किया है वो आप लोगों ने देखा है, कुछ किया था इसके लिए आप लोग इस बस्ती में आकर के, इस शहर में आकर के रहने लगे। और पिछले 5 साल में इस शहर का हाल क्या हुआ है, भ्रष्टाचार कितना हुआ है, इनजस्टिस कितनी हुई है, ये भी आप लोग जानते हैं। मेरा नारा मैंने दिया है, ज्वाइन मी इन फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ की लड़ाई में हमारा साथ दें। आपके हमारे इस असेंबली के चुनाव में MIM ने भी कैंडिडेट डाला है, और MIM कैंडिडेट क्यों डालता है, जहां पर कहीं पे भी मुस्लिम्स होते हैं, माइनॉरिटी वोट्स होते हैं, तो उसके डिवीजन करने के लिए MIM कैंडिडेट डालता है। और वो किसके बोलने पे डालता है ये शायद आप लोग समझते हैं, इस बात को मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मगर आप लोग समझदार हैं कि MIM ने भी कैंडिडेट डाला है। हो सकता है कि कोई उनके लीडर आए तकरीर करे, या तो फिर सोशल मीडिया पे, तो लोग जज्बाती ना हो करके, यहाँ लड़ाई किसकी है, कौन जीत सकता है और कौन लड़ाई लड़ सकता है, और कौन कौन की खिदमत करता आया है, कौन कर सकता है, इतना ही मुद्दा आपको देखना है। आज तक आप लोग जब से यहाँ पर आए तब से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फवक्तन कभी आप लोग बुला लेते हैं, अभी 2-5 साल हुए हैं, 2-5 साल के बाद आप लोगों ने मुझे याद किया है। पिछले 3 सालों में जो है मेरी भी सेहत जो थी जो नासाज थी, 3 स्पाइन की सर्जरी मेरी हो गई, 3 साल में 18 महीने मैं बेड पे रहा, मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखिए आप लोगों की दुआ है कि फिर से मैं आज चल फिर रहा हूँ और इतना बड़ा इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। इसलिए आप लोगों की वोट से ज़्यादा मुझे दुआ की ज़रूरत है। एक बार वोट देने में आइएगा, मगर हाथ उठा के दुआ जरूर हाथ से लेके 21 तारीख तक, 24 तारीख तक जरूर दुआ मांगिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआ में वो ताकत है कि आपका 1 वोट 10 के बराबर होगा। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ।